आपने पहले पॉडकास्ट शुरू नहीं किया, अभी जब ट्रेंड में आया है, मतलब आपके मन में नहीं आया पॉडकास्ट शुरू? एक लिया था आपने, मैंने देखा था, पैसों के लिए किया होगा वो काम भी। हाँ। मैं जिस इंसान से बात करना चाहता हूँ ना, तो एक तो उसके साथ बैठ के नहीं करूँ मैं, उसको जालोर गेट आ जा। अच्छा, तो फिर मैं एक्टिवा के ऊपर उसको पीछे बिठाना चाहता हूँ। समधीश भाई साहब, समधीश तो कार के अंदर करता है। हाँ। मैं एक्टिवा के ऊपर सुबह 5 बजे करना चाहता हूँ कि 5 बजे एक तो आ जालोर गेट, फिर एक्टिवा पीछे बैठ, और फिर मैं जालोर गेट से फतेहपुर तक उसको ले जाना चाहता हूँ। मुकेश खन्ना देखते थे? मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान बहुत देखा है यार। शक्तिमान मूवी आएगी, आप देखने जाओगे? मैं डेफिनेटली देखने जाऊंगा, अगर ढंग का एक्टर हुआ उसके अंदर तो। नहीं, वो कूद होंगे मेरे को लगा। तो पहले किसको लाना चाहोगे पॉडकास्ट के लिए? यार अभी तक सोचा नहीं है किसको। गज सिंह जी आ गए तो स्कूटी में चल रहे हैं, गज सिंह जी मुझे काफी स्वीट लगता है वो, और मुझे लगता है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आ जाओ, अपने बारे में बताओ थोड़ा कि कितना टफ है आपका कमरे से लेके टॉयलेट तक जाना, क्योंकि बड़े बड़े कमरे होते हैं ना उनके, तो बहुत दूर जाते हैं। उनको वही लग जाती होगी स्कूटी। कौन रोहित मेहरा की स्कूटी लगती होगी उनको, वो चलाता था ना जो। वेरी इज पोबलू, वाई इज ही गायब, पूछना था, लास्ट दिखे थे वो जनवरी फरवरी में। वेरी इज पोबलू, हैशटैग वेरी इज पोबलू। कितना मिलता है? कितना मतलब ठीक ठाक मिल जाता है? कितना? आप 6 बार चाय पीते हो, कितना बोलेगा ना, कितना कमाता हूँ वाला। चाय री पत्ती जितनी कमाई हो जा, कितना कमाते हो, लारे पड़ गया हैंग लोग, दिन में 6 बार चाय पीऊँ मैं, बोलो अबे दार से चाय बना दू, बना दे ना ही नहीं हमारा तो। सही बात है यार। तो आप कैसे दास और आप कैसे शूट करते हो, मतलब पहले दाढ़ी वाइट करते हो? सबसे लास्ट में करते हो दास का जो गेटअप आएगा, सबसे लास्ट में आता है, मुंह धोना पड़ता है ना यार। बाकी दूसरे किसी भी एक्टर के लिए मुंह नहीं धोना पड़ता अगर आपने वो गेटअप किया है तो। दास के लिए आपको वापस पूरा मुंह धोना पड़ता है। व्हाइट ना लगाते हो क्या? लगाते वो पोस्टर कलर है एक्चुअली। कितने से लगते हैं निकालने में उसको? लगते हैं हार्डली 5 मिनट तो अच्छे से धोना पड़ता है तब निकलता है। खैर अब तो ये प्रोसेस के अंदर है, अब तो इतना टाइम नहीं लगता ना उसको करने में इतना लगता है और ना उसको निकालने में इतना लगता है। शुरू में जब करते थे आपको मैं पाउडर लगाता था, टैल्कम पाउडर। तो बोलते नहीं, कोई बोलता था गैला कर रहा है ये तो? एक्चुअल में किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो गैला जब मैं शूट करता था गैला करे। हाँ, लेकिन जब वो पूरी वीडियो बन जाती थी, एडिट होते थे और सब देखते थे ना, तो घर में लोगों को लगता था दास है। हाँ वो तो लगता ही है, दादी भी देखते हैं ना तो लगता है एक्चुअल में कोई एक्चुअल में दास है। तो जब आपके घर वाले ही उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं और वो दासा को दासा की तरह ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको ये चीज समझ में आती थी कि हम कोई पीस ऑफ कंटेंट देख रहे हैं, उसके अंदर कैरेक्टर सारे अलग अलग हैं और वो एक जैसा नहीं लग रहा है। तो भी कोई और कैरेक्टर आने वाला है? हाँ, कोई बहुत खतरनाक कैरेक्टर आने वाला है। आप ही हो? मैं ही हूँ, और वो ऐसा कैरेक्टर है कि मजा आ जाएगा लोगों को। वेरी इज पोबलू, वाई इज ही गायब, पूछना था, लास्ट दिखे थे वो जनवरी फरवरी में। वेरी इज पोबलू कर रहा था, हैशटैग वेरी इज पोबलू। व्हेन यू राइट ना, तो आपको पता है कि ये लाइन पोपलू की है। अभी जितनी भी पोपलू की लाइंस है वो सारी मेरी वाइफ बोल देती है, तो पोपलू की लाइंस बचेगी कहाँ पे? वो मेरा पोपलू का रोल खा गई है पूरा का पूरा। लेकिन जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सीरीज यार पोपलू के अंदर, मैं पोपलू को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करूँगा पोपलू। हाँ बिल्कुल, और मैं लोगों को अच्छे से साइकी बताऊँ पोपलू की, और एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करूँ जो लोगों को बहुत ज़्यादा फनी लगे। दो हिंट, क्या होगा कैरेक्टर का? मैंने उस कैरेक्टर के साथ इनिशियली बहुत काम किया था, लेकिन फिर मैंने उस कैरेक्टर को ड्रॉप कर दिया फॉर सम रीजंस, और फिर मैंने उस कैरेक्टर को दिखाया ही नहीं, इवन यूट्यूब से मैंने उस कैरेक्टर की सारी की सारी वीडियो प्राइवेट कर दी। लेकिन अब मैं उस कैरेक्टर को वापस लेके आ रहा हूँ इन मोर फैमिलियर वे। हाँ, अभी और उधर आगे बढ़ रहे हो, कोई राइटर वगैरह हायर करोगे या खुद ही लिखते हो आप? आप पहले भी बोला था कि मुझे खुद ही लिखना पसंद है। सच बात तो मुझे राइटर से ज्यादा एडिटर्स की जरूरत है यार, कि जो वीडियो एडिट करे। आपने अपना प्राइस भी बता दिया, अब एडिटर मकते ऐसा आएगा कि भाई आपको इतना कमाते हो। अगर कोई अच्छा एडिटर है ना यार, तो मैं उसको बहुत अच्छा पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मेरी वेवलेंथ के साथ काम करे, कि मैं जिस तरह की वीडियोस बनाता हूँ और जिस पैकेज में वीडियो बनाता हूँ, एट द सेम टाइम जितनी जल्दी मैं एडिट करता हूँ मुझे उतना जल्दी एडिट करने वाला। लपड़ पंचायत कर ली एडिटिंग करते करते, तो फिर सीधा बाहर। आप खुद की क्रिएटिविटी अपने पास रखें, मेरी क्रिएटिविटी देख ले और आप उसको अंदर पैकेज कर ले। बट आई नीड एडिटर्स, नॉट एडिटर।
क्यों रीलों के लिए अलग और इसके लिए अलग ऐसा? नहीं यार, मुझे पॉडकास्ट भी स्टार्ट करना है, मुझे रीले भी बनानी है, मुझे सीरीज भी एडिट करानी है, तो मुझे काफी एडिटर्स चाहिए। मुझे पूरी के पूरी 5 से 6 एडिटर्स लगेंगे, तो मुझे तो बहुत सारे एडिटर्स चाहिए लेकिन मिल एक भी नहीं रहा है। पॉडकास्ट का मैं कह रहा था, आपने पहले पॉडकास्ट शुरू नहीं किया, अभी जो ट्रेंड में आया है, मतलब आपके मन में नहीं आया पॉडकास्ट शुरू? एक लिया था आपने, मैंने देखा था। हाँ, फिर उसके बाद आया नहीं कंटिन्यू। किसका लिया था? कोई थे जोधपुर में, किस आप सूट वूट पहन के गए थे? पैसों के लिए किया होगा वो काम भी। कभी आया नहीं एक्चुअल में। क्या है ना यार, मैं तो यूट्यूब पे कोई खास पैसा देता है नहीं, जिसको ऐसा लगता है ना यूट्यूब बहुत पैसा देता है। कितने देता है यूट्यूब? बिल्कुल नहीं, फर्जी आदमी एक नंबर का। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे डालोगे तो ठीक ठाक पैसा आपके पास आ सकता है, लेकिन सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई करने पे उतना नहीं मिलेगा। मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अलग तरीके से करूँ यार। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जिस इंसान से बात करना चाहता हूँ ना, तो एक तो उसके साथ बैठ के नहीं करूँ मैं, उसको जलोर गेट आ जा। अच्छा, तो फिर मैं एक्टिवा के ऊपर उसको पीछे बिठाना चाहता हूँ। समधीश भाई साहब, समधीश तो कार के अंदर करता है। हाँ। मैं एक्टिवा के ऊपर सुबह 5 बजे करना चाहता हूँ कि 5 बजे एक तो आ जालोर गेट, फिर एक्टिवा के पीछे बैठ, और फिर मैं जालोर गेट से फतेहपाल तक उसको ले जाना चाहता हूँ, और फिर वो मेरे पीछे बैठे बैठे अपनी जोधपुर की बातें बता रहा है, या अपनी यादें बता रहा है, या अपने बारे में बता रहा है। तो जो भी एक्टिवा के पीछे बैठा है, गाड़ी चल रही है ब्लू सिटी के अंदर होते हुए फतेहपाल तक ऊपर तक जा रहे हैं टॉप तक, और पीछे बैठे बैठे वो बात कर रहा है, जा रहे हैं और आ रहे हैं, यही एपिसोड है। तो दिमाग के अंदर यही हर चीज में एक होने लग गया, तो फिर बोर नहीं हो जाएंगे बार बार वही, तो अलग अलग रास्ता पकड़ेंगे। हाँ। पर मेन सेटअप दिमाग के अंदर यही है यार कि दिस मॉर्निंग, और मॉर्निंग के अंदर इंसान आता है, कार के अंदर हम नहीं बैठे, हम बैठे एक्टिवा के ऊपर ही है, और वो कैमरा सेटअप उस तरीके से हुआ हुआ है, और उसमें ही वो अपनी बातें कर रहा है। तो सबसे पहले किसको लाना चाहोगे पॉडकास्ट के लिए? यार अभी तक सोचा नहीं है किसको। गज सिंह जी आ गए तो स्कूटी में चल रहे हैं, गज सिंह जी। इमेजिन, जस्ट इमेजिन। मैं गज सिंह जी से 2-3 बार मिला हुआ हूँ, मुझे काफी स्वीट लगता है वो, और मुझे लगता है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आ जाओ, अपने बारे में बताओ थोड़ा कि कितना टफ है आपका कमरे से लेके टॉयलेट तक जाना, क्योंकि बड़े बड़े कमरे होते हैं ना उनके, तो बहुत दूर जाते हैं। उनको वही लग जाती होगी स्कूटी। कौन रोहित मेहरा की स्कूटी लगती होगी उनको, वो चलाता था ना जो स्कूटर। तो कितना टफ है आपके लिए टॉयलेट जाना? हमारे गलियों के अंदर सीआईडी की शूटिंग हुई थी। एक बार नहीं दो बार हो चुकी है। फर्स्ट में एपिसोड हुआ था और एक और हुआ था, मैं देखा था अभी थोड़े दिन पहले देखा था। देखा है सीआईडी वाला एपिसोड, वो टोपो के अंदर कुछ चाबी मिलती है, मतलब मैंने जो स्टंटमैन था ना जो ऑरेंज टी शर्ट के अंदर, उसका नाम शायद प्रदीप है। तो हुई थी बार हुई थी यार, मैंने तो इतना पास से देखा है। चिल्ला रहे थे चोर चोरी, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। मतलब मैंने वो शूटिंग देखी ना, मजा आ गया मेरे को यार। मैं बहुत छोटा था तब तो, पर मैंने बहुत करीब से सीआईडी का शूट देखा। 98 99 में हुई होगी तब। नहीं, इतना पुराना नहीं था वो, शायद 2005 और 2006 के आसपास था। अच्छा, 5-6 के आसपास वो शूट हुआ था, प्रिसाइसली नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर हुआ उस आसपास ही था। बहुत पास से शूटिंग देखी मैंने, और तब मुझे पता लगा कि ये दया और ये जो स्टंटमैन है वाकई में बहुत मेहनत करते हैं। मतलब दया सामने से उसको भागते हुए आना था, एक शॉट ही था भागते हुए आने का, डायरेक्टर मान ही नहीं रहा था। 10 से 12 बार तो दया सिर्फ भागा है, सिर्फ भागा है वो। और अब तो खैर सीआईडी वापस से आने वाला है, देखो ड्रामा देखते हैं। जो टीवी वाली ऑडियंस है ना, जो अनुपमा वाली ऑडियंस है, जिनको टीवी ऑन करने के बाद नेटफ्लिक्स प्राइम या कहीं पे जाके वो पर्टिकुलर शो या एपिसोड नहीं देखना है, उनको बस आगे आगे करना है, क्या आ रहा है तुम दिखाओ हमें कि हमें क्या देखना है, हमें नहीं पता है कि हमें क्या देखना है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आजकल फेस कर रहा हूँ। मेरे पास प्राइम है, मेरे पास नेटफ्लिक्स है, मेरे पास मूवी है, मेरे पास यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन है, ऐसा कोई ऐप नहीं है जिसका मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। फिर लेकिन जब मैं टीवी खोलता हूँ ना, तो मुझे लगता है क्या देखूं यार। और आदत क्योंकि हमारी बचपन से आगे आगे करते हुए तुम दिखाओ क्या है, तो आज भी हम यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और स्क्रॉल करते हैं, तू बता क्या दिखा रहा है, एंड में खुद की वीडियो देखते हूँ। तो वो वाले जो लोग है ना, वो डेफिनेटली सीआईडी देखेंगे यार। आप देखोगे? मैं पहला एपिसोड तो जरूर देखूंगा। मतलब मैं उतना हार्डली, मैंने सीआईडी का भी फॉलो नहीं किया रे, ना मैंने वो क्राइम पेट्रोल का भी फॉलो किया, ना मैंने फियर फाइल्स फॉलो किया, लेकिन मेरे इन सब के एपिसोड्स देखे हुए हैं। बचपन में तो क्या देखते थे फिर आप? बचपन में ये कौन सी एज की बात हो रही है? 8-10 साल का थे तो। 8-10 साल का तो मैं नॉडी ऑसवर्ल्ड ही देख रहा था यार। मुकेश खन्ना देखते थे? मुकेश खन्ना जी को शक्तिमान बहुत देखा है यार। शक्तिमान मूवी आएगी, आप देखने जाओगे?
मैं डेफिनेटली देखने जाऊंगा अगर ढंग का एक्टर हुआ उसके अंदर तो. नहीं वो खुद होंगे मेरे को लगा. नहीं, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद ही आएंगे कि ठहरो ये तुम सही नहीं कर रहे हो. मेंटली तो हीरो ही है ना यार. मेंटली तो मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूँ जो मेंटली अपने आप को अनिल कपूर ही समझता है कि मैं अनिल कपूर से कम हूँ ही नहीं. वाह. हाँ और मतलब उनका करियर वाइज इतना अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन वो खुद को अनिल कपूर ही समझते हैं. तो ये सब जब काट पाट के मैं सवाल जाता हूँ कि रेलेवेंट कैसे रहा आपके हिसाब से. तो मतलब आज जो बॉलीवुड में की बात करें तो पांच लोग हैं यार. देखो सब जगह रेलेवेंट रहने के लिए अलग चीज है यार. अगर जोधपुर के अंदर एक मिठाई वाले को रेलेवेंट रहना है ना तो उसको अच्छा घेवर बनाना आना चाहिए. जैसे आज तक आज की डेट में अगर अच्छा घेवर बाबू भाई बना रहे हैं तो बाबू भाई का नाम क्यों लिया, पैसे थोड़ी देंगे वो पटा दूंगा. हाँ कोई आ नहीं गया मतलब अगर जोधपुर के अंदर अगर मिठाई वाला अच्छा घेवर बना रहा है तो उसको कम्पीट दूसरे कंदोई से करना पड़ेगा. हर इंडस्ट्री के अंदर यही है, अगर आप अच्छी चीज बनाओगे ना तो आप रेलेवेंट हो. सीधा सा कॉन्सेप्ट है ये. तो लोग बोलते हैं कि किस्मत भी होती है वो फर्जी चीज है. क्या फर्जी चीज है? किस्मत भी होती है, अच्छी चीज है तो कोई बना ले. लक इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क. जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा आप लकी बनोगे. इवन वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू, ये इंटरव्यू भी ऑनलाइन जाएगा तो इस इंटरव्यू को करने के लिए हम चार सीढ़ियाँ चढ़ के आए तभी तो हमें ये व्यू दिख रहा है ना. हम जितने हार्डवर्किंग होंगे ना उतने ही हम लकी होंगे यार. नवल रविकांत ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है, अपनी लाइफ में जितना जल्दी लक को भूल जाओ उतना अच्छा है. दिस इज नथिंग लाइक लक, वो तो ये कहते हैं. बट मैं ये कहता हूँ कि लक इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्डवर्क. आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अपॉर्चुनिटी आज आपको मिलेगी. जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतने अच्छे लोग आपको मिलेंगे. जितने अच्छे लोग आपको साथ मिलेंगे उतनी क्रिएटिव थॉट आएंगे, उतना काम अच्छा होगा, उतने लकी आप हो जाओगे. मैं अपनी लाइफ अगर देखूं तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं. लेकिन एट द सेम टाइम उस स्टेज पे पहुंचने के लिए कि आज की डेट में मैंने मलाबार का वीडियो बनाया, चार दिन पहले अनिल कपूर स्टोर के बाहर नाच के गया और चार दिन बाद मैं उस ब्रांड का प्रमोट कर रहा हूँ. चार दिन पहले अजय देवगन ने पुष्प मसाले पेपर के अंदर ऐड आता है, मैंने उसको एंडोर्स किया. तो मैं ये लकी हो गया क्या कि भाई साहब अनिल कपूर नाच के गया मैं ऐड कर रहा हूँ. मलाबार तक पहुँचने के लिए 5 साल तक बहुत गलाबार गलाई है हमने तब मलाबार तक पहुँचे. तो नथिंग इज लाइक लकी यार, देयर इज लाइक हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क. मेहनत मेहनत मेहनत, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है. मेहनत से रेलेवेंट रह सकते हो यार. इवन लुक एट अमिताभ बच्चन, केबीसी के अंदर दौड़ता दौड़ता आता है वो. कल की नहीं देखी? देखिए ना कल की कितनी मेहनत की होगी. खत्म करते हैं, मजा आया आपसे बात करके. लास्ट में क्या कहना चाहोगे? किस बारे में? किसी भी बारे में यार. माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को दुखी मत करो. और आप अगर जवान हो रहे हो तो वो भी बुढ़े हो रहे हैं तो उनकी केयर करो. उनका पीठ दर्द हो रहा है तो चिंता करो. उनको डायबिटीज है तो चिंता करो. उनको बीपी है तो चिंता करो. कुछ नहीं है तब भी चिंता करो. और सच बात तो यह है, दिस इज लाइफ यार. आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप जितने भी मज़े मार रहे हो अपनी लाइफ, आपकी लाइफ मैं ऐसा करना चाहता हूँ वैसा करना चाहता हूँ ये करना है वो करना है, शेट, माँ बाप की सेवा करो. जेन्यूनली बोल रहा हूँ, आप ये चीज़ करोगे सब चीज़ें पीछे दौड़ के आएगी. ये बहुत क्लीशे चीज़ है कि माँ बाप की सेवा करो हैंग मिल जाएगा, लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है. आप अपने माँ बाप की चिंता करो, दुनिया आपकी चिंता करेगी. मैं और कोई काम नहीं करता, मैं अपने घर में रहता हूँ, अपने माँ बाप के सामने रहता हूँ, माँ के हाथ की पूड़ी खाता हूँ, पापा के साथ बैठता हूँ, उनके साथ उनकी थाली में खाता हूँ. दिस इज द लीस्ट यू कैन डू टू योर फैमिली. उनके साथ बैठो, उनके साथ खाओ, दैट्स इट यार. चलो फिर, थैंक यू सो मच. आप ये देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब मत करो. नहीं करना तो मुझे क्या, लाइक सब्सक्राइब करो. क्या फर्क पड़ता है, यूट्यूब तो साला छोड़ो. क्या बोले, चलो.